नाज़रीन, मस्जिद अक्सा रोए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है। मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरजमीन अम्बिया कराम का मस्कन रहा है, इसी वजह से इसे सरजमीन अम्बिया भी कहा जाता है। इस अर्ज़ मुकद्दस का कदीम शहर बैतुल मुकद्दस है, इसको अलकुदस भी कहते हैं। शहर अलकुदस में एक तारीख़ी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों का किबला चली आ रही है। ये मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है, और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये दो हिस्सों में मुनकसिम है, एक पुराना शहर और दूसरा नया शहर। पुराने शहर में चारों तरफ ऊंची दीवारों का इहाता है, और इसी शहर में तमाम मुकद्दस मकामात पाए जाते हैं। इसके अंदर 9 दरवाज़े हैं। हज़रत उमर फ़ारूक 14 हिजरी बामुताबिक 636 ईस्वी में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहां तशरीफ़ लाए, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मिराज की मंजिल तलाश की, और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया, और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया, और फिर यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर इसके बाद 72 हिजरी में बामुताबिक 691 ईस्वी में उमवी खलीफ़ा अब्दुल मलिक मरवान ने दोबारा इसकी तामीर का आगाज़ किया। तारीख़ में है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 ईस्वी की है। तारीख़ के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुकद्दस पर ईसाई हमला और उनका कब्ज़ा हुआ। हज़ारों मुसलमानों का कत्ले आम हुआ और मस्जिद को गिरजे में तब्दील कर दिया गया। फिर 12 अक्टूबर 1187 ईस्वी को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबज़ीन से वापस मिली। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फतह करने से हासिल हुई। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। नाज़रीन, 15 अगस्त 1967 बड़े कर्ब का दिन था, जब एक आस्ट्रेलवी यहूदी सियाह माइकल रोहन ने इसराइली हुकूमत की इमा पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। इसकी वजह से जनूब मशरकी सिमत शहीद हो गई। यहूदी सियाह माइकल रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सज़ा सुनाई गई। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा और मस्जिद सखरा के करीब एक कब्रिस्तान है जिसको बड़ी अहमियत हासिल है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दी गई है। इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों को मतनाज़े कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाज़ों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा। यहूदियों का मानना है कि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। यहाँ करीब एक दीवार है जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादत गाह का बचा हुआ हिस्सा है। यही उनकी इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है। यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकल सुलेमानी था जिसे 586 कबल मसीह बाबुल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। तमाम यहूदी मजहबी त्यौहारों के अलावा हर हफ्तावार दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हरम की है, और हरम की तामीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में मुसलमानों ने की थी। नाज़रीन, 1948 से लेकर आज तक फ़लस्तीन में कई मज़ाहमती ग्रोह जो अपनी आज़ादी के लिए बरसरे पेकार रहे हैं, वो मुसलसल वक्तन फ़वक्तन इसराइल को कारी ज़ख़म पहुँचाते रहे हैं। इस सिलसिले में 2 अरब इसराइल जंगें भी हुई, जिनके अंजाम में आलमी ताकतों की मदद से इसराइल ने अरबों पर फतह हासिल की, और लिबनान, शाम और मिस्र के बहुत से इलाके इसराइल ने अपने कब्ज़े में कर लिए। 1970 में अक्वामे मुत्तहिदा के तहत होने वाली सुलह में इसराइल ने कुछ इलाके वापस कर दिए, अलबत्ता शाम का एक इलाका गोलान की पहाड़ियाँ, इसे लोग जोलान भी कहते हैं, अभी तक इसराइल के कब्ज़े में हैं, जहाँ से वो शाम, मिस्र, इराक और लबनान, ख़ास तौर पर शाम और लबनान पर गहरी नज़र रख सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम में यूरोप में यहूदियों का कत्ल आम हो रहा था, और यहूदी लाखों की तादाद में फ़लस्तीन आ रहे थे। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बाँट दिया जाए, 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को।
नाजरीन, जिन फ़िलिस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी अब उन्हीं के पास सिर्फ 45% ज़मीन रह गई और वो जगह जहां मस्जिद अक्सा मौजूद थी वो न्यूट्रल जगह होगी। यही वो वक्त था जब इसराइल ने ख़ुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़िलिस्तीनियों को समझ में आ चुका था कि उनकी ज़मीन पर गासपाना कब्ज़ा हो रहा है। 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग हुई। इस जंग के बाद इसराइल ने फ़िलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर से जंग हुई। अब इसराइल ने फ़िलिस्तीन के और भी हिस्सों पर काबिज़ हो गई। नाजरीन, यरूशलम जो एक न्यूट्रल जगह थी, इसराइल ने इस पर भी कब्ज़ा किया। 1980 में इसराइल ने यरूशलम को अपना कैपिटल बना दिया। इसके बाद इसराइल ने यरूशलम में घरेलू इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। 100-150 साल से पहले फ़िलिस्तीन में सिर्फ फ़िलिस्तीनी ही आबाद थे। लाखों यहूदी यूरोप से यहाँ आकर बसे। उन्होंने फ़िलिस्तीनियों की 55% ज़मीन पर इसराइल बनाया और यके बाद दीगरे बाकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया।